पार्टी का प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 35 से। जी कमल जी, आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 35 से, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है यहाँ की साफ सफाई है, और यहाँ पे अगर आप घूम के देखोगे तो वार्ड के हर कोने में आपको ये बड़ी ज्वलंत समस्या दिखाई देगी, क्योंकि न केवल नाली भरी हुई है बल्कि काफ़ी दिनों से उन पर जो सिल्ट है जमी हुई है, और लोगों को चलना भी दूभर हो रहा है वहाँ से। और क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड की? वार्ड में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, एक वार्ड काउंसलर है यानी पार्षद है वो इस और यही तो प्राथमिकता है, यही उनके काम है। हम अगर अपने कामों को ईमानदारी से निभाएं तो मुझे नहीं लगता है ये पानी या फिर नाली खरंजा जैसे मुद्दे आगे चल पाएंगे। अगर कोई भी अपनी नीयत बना लेके काम कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, जिस तरह से जनता आपको समर्थन देती है, किस तरह से खड़े उतर रहे हैं? मैंने ये सोच रखा है कि अगर मौका मिला तो हम काम से ना इतना फ़र्क महसूस करा देंगे, इनको इतना फ़र्क महसूस करा देंगे कि हम सोच रहे हैं कि लोग हमें मजबूरी में समझ लें कि अब इन्हीं को लाना पड़ेगा हमें अगली बार भी, हमारे कामों को देख के। बाढ़ की जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बाढ़ की जनता का अब तक इतना पॉजिटिव समर्थन है कि मुझे लग रहा है मैं 4-5 महीने पहले पार्टी में आया, उन्होंने टिकट दी, टिकट ही नहीं, मैं इतनी गजब की स्थिति में पहुंचा दिया हूं इन लोगों ने। मुझे आज मेरा जो आत्मबल है वो इसलिए मिलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी टक्कर पे मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है।